नैहरा नवदा गोपालपुर भाई है सुखा में मचे पानी देसन बिया कर दिले हमारे तो पानी देसन हमे मरबे तो हमारे भाइयो तो मरेला पार है लेकिन अपना आत्मा करे कि हम नैहरा जेब भाई के कलाई बनब लेकिन हमरा यहाँ तो जो पानी के बाढ़ पीड़ित इतना हो कि एकदम से घर से बाहर न होके सके छे भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्यौहार पूरे देश में 22 अगस्त यानी रविवार को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन में शहर में चमक दमक तो ग्रामीण क्षेत्रों में संस्कृति की छटा दिखाई देती है। इस प्रेम के आगे बहनें अपने सारे दुख भूलकर भाई की कलाई में रेशम का धागा बांधकर रक्षा का वचन लेती है। लेकिन जब चारों तरफ पानी का एक बड़ा क्षेत्र हो और प्राण भी संकट में पड़ने का डर हो तो ऐसे में बहन जब भाई की कलाई पर राखी ना बांध पाए तो उसे कितना अफसोस होगा, इस बात का आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। इनके साल भर के पर्व छे आ की कहे छे कि हमें घर द्वार डूब गेले केना जेबे हमें राखी बांधेल भाई बापकन भाइयो बाप के घर जे छे कि ओहो डूबल छे बाढ़ से ग्रस्त छे आ की कहे छे कि ने छे पैसा कौड़ी बाल बच्चा यहाँ डूबे छे धसे छे ने देह पर बस्तर छे ने खाने के कुछ छे ने वो टाका छे अबरी हमरा भाई और के जे छे नाही कलाई नहीं बन्हेते राखी बंधन नहीं होते केना जेबे राखी बांधे के बहुत शौक छे भाई के कि हम रक्षाबंधन में जेबे मैं अपना घर देखिए अपना बाल बच्चा देखिए कि भाई के पास में दिए भाई उतने आवे सके छे क्या कहे गंगा माई बढ़ गया कैसे जाएंगे क्या इच्छा होता है रक्षाबंधन में घर वहाँ मायके जाने का होता है ना कहे नहीं जा पाइएगा जाने पड़ेगा अगर गंगा माई डूबा दिया तो नहीं जा पाते हैं नैहरा है नवदा गोपालपुर भाई है सुखा में मचे पानी देसन बिया कर दिले हमारे तो पानी देसन हमे मरबे तो हमारे भाइयो तो मरेला डूबी ढसी तो भाइयो तो गए भाइयो हमारे पार है लेकिन अपना आत्मा करे कि हम नैहरा जेब भाई के कलाई बनब लेकिन हमरा यहाँ तो जो पानी के बाढ़ पीड़ित इतना हो कि एकदम से घर से बाहर न होके सके छे अगर तनिगो बाल बच्चा के छोड़ी कनो जेबे तो बाल बच्चा पानी में गिरी के डूबी धसी के मरी जेते। भागलपुर के नाथनगर के दिलदारपुर दियारा में रहने वाली महिला के मन में बाढ़ की विविधता के कारण इस बार भाई की कलाई सूनी रह जाने का दर्द साफ चेहरे पर देखा गया। सभी महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि वे सभी अभी बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं, पानी में घर के छोटे छोटे बच्चे रहने को विवश हैं और उनको छोड़कर जाने पर हादसा होने का डर मन में लगा रहेगा और इस बाढ़ के बीच अपने भाई को भी नहीं बुला सकती क्योंकि पानी के बीच उसे भी आने में जान का खतरा है। साथ ही महिलाओं ने कहा कि यह रक्षाबंधन पर जो भाई की बहनें कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है वह जीवन की रक्षा के लिए है, ना कि उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का।